भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक असित यादव के निर्देश के अनुसार अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि लहार थाना प्रभारी परमानंद शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ग्राम प्रयाचय की सिंधी नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं और परिवहन भी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल अपनी टीम के साथ प्रयाच घाट पहुंचे, जहां पर चार ट्रैक्टर में रेत से भरी चार ट्रॉलियों के परिवहन करते मिले, जिन्हें फोर्स की मदद से घेर लेकर पकड़ लिया गया है। वहीं पकड़े गए ट्रैक्टर चालकों से रेत की रॉयल्टी संबंधी कागजात मांगे गए। वहीं कागजात उपलब्ध नहीं होने पर वाहन चालकों से अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को मौके पर ही जब्त किया गया है। ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पर्राइस घाट से कुछ लोग चोरी से रेत भरकर और उसका बाजार में विक्रय कर रहे हैं। मुखबिरी की सूचना पर फोर्स के साथ वहां जाकर घेराबंदी की और चार ट्रैक्टर अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए पकड़े गए। इनके विरुद्ध थाना लाहर में 389/414 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिए गए।